नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीए न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं खास खबर की ओर। ललितपुर में अज्ञात कारणों के चलते युवक पर चाकू से हमला हो गया। युवक के पेट में चाकू मारकर दबंग फरार हो गए। वहीं घायल अवस्था में युवक को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुटी है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नई बस्ती लेडियापुरा का बताया जा रहा है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते युवक पर चाकू से हमला हो गया। इस पूरी घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े हुई घटना से यहां पर हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस पूरे मामले की खोजबीन कर लेगी। भैया लोग तीन जने थे, उनके पापा थे, जो लड़का सुन यहाँ किसी भी चाकू चला दे, पेट में मारो, पीछे से फाड़ दो। क्या बात को लेकर मारे? एकदम से आया और मारा लगे सीधे। किस बात को लेकर मारपीट करी? कह रहे थे कि रात में आए थे। अच्छा, क्या नाम है, कौन सी छात्र है, कहाँ पढ़ते? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये अभी 12th की थी। तो कहाँ, नई बस्ती में कहाँ रहते थे? लड़िया पे किराए से रहते थे। वहीं क्या पढ़ाई कर रहे थे उसी दौरान? चाकू चला रहे थे। अच्छा, नहा के निकला वो, चाकू चला।